नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल ICT अकादमी में आप लोग का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आप लोग को बताएंगे नवोदय विद्यालय के एडमिट कार्ड आप लोग नाम से कैसे डाउनलोड करेंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, आप लोग किसी का एडमिट कार्ड रजिस्ट्रेशन नंबर से तो डाउनलोड कर ही सकते हैं। आज हम आप लोग को बताने वाले नाम से कैसे एडमिट कार्ड को डाउनलोड करेंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर गुम हो जाता है या फिर जो फॉर्म फिलअप करते हैं वो नहीं मिलता। उस केस में आप लोग किसी का भी एडमिट कार्ड को नाम से डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल्स में बताने वाला हूँ। तो नवोदय विद्यालय के एडमिट कार्ड अभी डाउनलोड किया जा रहा है, और एक बात का आप लोग ध्यान देंगे कि आप लोग का 62 ऐसे एग्जाम सेंटर है जिसको चेंज कर दिया गया। देख सकते हैं यहाँ पर देख सकते हैं नवोदय विद्यालय की ओर से जारी किया गया नोटिस के मुताबिक प्रशासनिक कुछ कारणों से परीक्षा केंद्र में बदलाव किया गया, तो उसका लिस्ट के बारे में भी आप लोग को बताऊंगा। साथ ही साथ आप लोग किसी का भी एडमिट कार्ड को कैसे डाउनलोड करेंगे नाम से, उसका भी प्रोसेस बताऊंगा। तो वीडियो के साथ आप लोग बने रहिएगा, और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा नया नया गवर्नमेंटल स्कॉलरशिप और प्राइवेट स्कॉलरशिप रिलेटेड अपडेट हमेशा पाने के लिए। और इस वीडियो को लाइक करके फ्रेंड ग्रुप में शेयर कर दीजिए, ताकि जो स्टूडेंट अगर एडमिट कार्ड नहीं डाउनलोड कर पा रहे तो कैसे नाम से डाउनलोड करेंगे उसका फुल प्रोसेस बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उसके लिए आप लोग को गूगल पे लिखना scholarshiphelp.in, इस वेबसाइट में आप लोग को आना है। scholarshiphelp.in वाला वेबसाइट में डायरेक्ट लिंक दिया गया नवोदय विद्यालय के एडमिट कार्ड नाम से डाउनलोड करने का। फिलहाल अभी ये फर्स्ट पोस्ट है, देख सकते हैं। गूगल पे लिखिएगा scholarshiphelp.in तो ये इस तरह का वेबसाइट में आ जाएंगे, या फिर आप लोग के लिए डायरेक्ट मैं लिंक दे दिया हूँ डिस्क्रिप्शन पर ही। जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा, नवोदय विद्यालय एडमिट कार्ड नाम से कैसे डाउनलोड करेंगे। वीडियो को पहले एक बार कंप्लीट देख लीजिए, सिर्फ एक बार देखने के बाद आप लोग का मन में जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाएगा और नाम से एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर पाएंगे। नहीं देखेंगे वीडियो तो हो सकता है आपके साथ प्रॉब्लम भी हो एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में। तो चलिए अभी वीडियो को शुरू करते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन वाला लिंक से जैसे आएंगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। उसके बाद नवोदय विद्यालय एडमिट कार्ड के बारे में यहाँ पर डिटेल्स में बताया हुआ, आके आप लोग एक बार इसको जरूर रीड कर लेंगे, बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। और 62 ऐसे परीक्षा केंद्र जिसमें बदलाव किया गया उसका भी लिस्ट यहां पर मिल जाएगा, देख सकते हैं। यहां पर क्लिक करेंगे तो आपका जो पहले का सेंटर है, देख सकते हो ओल्ड सेंटर, अगर आप एडमिट कार्ड डाउनलोड किया और आपका ओल्ड सेंटर नेम ये है तो नया जो सेंटर इसका हुआ ये वाला हो गया, तो आप लोग देख लीजिएगा। जैसे कि आप मान के चलिए यहाँ पर आपका यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट वाइज और ब्लॉक वाइज भी यहाँ पर आप लोग का डिस्ट्रिक्ट का नाम देख सकते ये है, और अगर आपका सेंटर यहाँ पर है देख सकते हैं यहाँ पर बालासोर जिला स्कूल, यहाँ पर अगर आपका सेंटर है ये ओल्ड सेंटर है और न्यू सेंटर आपका ये बन गया, देख सकते हैं शकुंतला गवर्नमेंट हाई स्कूल सुनहाट, देख सकते हैं यह नया सेंटर है, ठीक है। तो अभी आप लोग एडमिट कार्ड को कैसे डाउनलोड करेंगे नाम से, तो उसके लिए आपको यहाँ पर देख सकते हैं अभी एडमिट कार्ड अगर आप लोग डाउनलोड करेंगे और एडमिट कार्ड में नया सेंटर ही दिया गया है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ओल्ड सेंटर को नया सेंटर में चेंज कर दिया गया ये यहाँ पर प्रोसेस है। तो आप लोग एक बार स्कूल से और अपने गार्जियन को डिटेल्स में बता दीजिएगा कि किस प्रकार चेंज हुआ, ताकि स्टूडेंट नहीं समझ में आया तो गार्जियन उसको समझ ले, ठीक है। अभी नाम से आप लोग कैसे डाउनलोड करेंगे अगर रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं मिल रहा है या फिर गुम हो गया तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन वाला लिंक से आएंगे और एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का लिंक यहाँ पर दिया गया। अगर जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर है अगर आपके पास है तो यहाँ पर देख सकते हैं एडमिट कार्ड क्लिक है, और में क्लिक करेंगे तो आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ को और इस कैप्चा को, जो कैप्चा का मतलब ये कैप्चा होता है कैप्चा कोड 6CH, इसको यहाँ पर लिखना और साइन इन करेंगे तो आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन नंबर को मतलब एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर पाएंगे, ठीक है। जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है, नाम से अगर डाउनलोड करना है तो देख सकते हैं यहाँ पर एक ऑप्शन है फाइंड योर NBS रजिस्ट्रेशन नंबर 2021, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं नाम से आप लोग पहले रजिस्ट्रेशन नंबर को निकाल लेंगे, उसके बाद आप लोग एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। मतलब कैंडिडेट्स नाम, आपका नाम यहाँ पर देना, स्टूडेंट का नाम, स्टूडेंट का फादर्स नेम, जिस प्रकार आप लोग फॉर्म फिलअप करते टाइम दिए तो वही नाम देना कैपिटल में, उसका फादर्स नेम देना, मदर्स नेम देना है, और डेट ऑफ बर्थ स्टूडेंट का देना है, और इस कैप्चा को, जो कैप्चा यहाँ पर कोड दिखाई दे रहा है देख सकते हो 2D110D, इसको यहाँ पर लिखना है और सर्च रजिस्ट्रेशन नंबर करना, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा। अगर ये समझ में नहीं आता तो यहाँ से रिफ्रेश करेंगे तो ये कोड जो है चेंज हो जाएगा, इसको यहाँ पर बोला जाता है इंटर टैक्स कोड और कैप्चा कोड। अभी आ गया 31C2 कैपिटल सी और कैपिटल बी, इसका भी ध्यान रखेंगे और इसको यहाँ पर फिल करके सर्च रजिस्ट्रेशन नंबर करेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर शो हो जाएगा।
फिर जब रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा तो दोबारा यहाँ पर आएंगे, NBS एडमिट कार्ड डाउनलोड यहाँ पर 2021 यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको तो रजिस्ट्रेशन नंबर मिल गया, तो रजिस्ट्रेशन नंबर से आप लोग यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर को फिलअप करेंगे, डेट ऑफ बर्थ फिलअप करेंगे और कैप्चा को डाल के यहाँ पर इस कैप्चा कोड को यहाँ पर डालेंगे और साइन इन करेंगे तो आप लोग का एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। अभी अगर आप लोग को प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बुकलेट चाहिए तो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप लोग का पिछले साल का जो क्वेश्चन था वो भी यहाँ पर आ जाएगा। इससे आप लोग को पता चल जाएगा किस टाइप का क्वेश्चन दिया जाता है NBS।